नमस्कार, स्वागत है आपका द एसडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी रंजन। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में तमाम विपक्ष की पार्टियां बिहार के मुख्यमंत्री पर हमलावर है। ऐसे में आरजेडी के विधायक विजय प्रकाश भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधे हुए हैं। आरजेडी के विधायक विजय प्रकाश ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। भागलपुर नाथनगर में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण महिला का मौत हो गया है, इसमें क्या कहना है? देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहाँ हैं नीतीश कुमार जी। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आपके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं, आपका व्यवस्था कहाँ है। जो जयनंदन यादव के परिवार जो भागलपुर में एम्बुलेंस के बिना उनकी मौत हो गई अस्पताल में, और मरने के बाद भी आप एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवा पाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ साथ में एम्बुलेंस रहते हुए भी आपने एम्बुलेंस न देने का काम किया, इससे यही साबित होता है नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए। नीतीश कुमार का अंतरात्मा मर चुका है। स्वास्थ्य विभाग अब ठेले पर चलने का काम कर रहा है, इसलिए यह नीतीश कुमार का निकम्मापन और बिहार के साथ जो खिलवाड़ और घिनौना काम जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब डेढ़ दो महीने के बाद बिहार के जनता इनसे लेने का काम करेगा। मिला जुला के सारे जिला में यही हाल है। आप जहाँ भी देखिए, हम जम्मू का स्थिति बताना चाहते हैं कि जम्मू में जो है बरामदे पर जो है बच्चे पैदा हो जाते हैं, जहानाबाद में बच्चे को गोद में लेकर माँ बिलख रही है और उसको एम्बुलेंस नहीं मिलता है, पिताजी उनके जो है लाश को कंधे पर लेकर चलने का काम करते हैं, अनेकों हैं। इस निकम्मा नीतीश कुमार के बारे में कोई भी उदाहरण देना वह जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। उदाहरण ही उदाहरण इनके जो है निकम्मापन के लिए साबित होता है, इसलिए इनके बारे में विशेष बोलना बिहारियों को शर्मिंदा करने का सवाल है। नीतीश कुमार झिनौला पीट रहे हैं कि कोविड-19 में हम पूरा कमांड कर लिए हैं पूरा मरीजों को। यही कोविड-19 में यही कमांड किए हैं कि जितने लोग आए हैं सबों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, और सब के नाम पर जो है दरी के नाम पर, बाल्टी के नाम पर, साबुन के नाम पर, मच्छरदानी के नाम पर, साड़ी के नाम पर, धोती के नाम पर, गमछा के नाम पर 5300 रुपया प्रत्येक दिन लूटने का काम किया। और जो दो चार दस व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में गए उनको जो है 5300 जगह पर 5300 रुपया का भी खाना व्यवस्था नहीं मिला। इनका बाल्टी वह जो है बाज़ार में गांव में नहीं चलता है, लोग हरेक माल 20 रुपया, हरेक माल 10 रुपया, चाहे जो भी खरीदो 10 रुपया 20 रुपया में हरेक माल, वही ये हरेक क्वारंटाइन सेंटर में हरेक माल देने का काम किया और जो है मोटा रकम अरबों रुपया लूटने का काम किया।